नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। ईसीएल मुगमा एरिया के अंतर्गत आने वाला राजपुरा कोलोरी में बीती रात लगभग 10 की संख्या में चोरों ने कोलोरी में कोयला लदे ट्रक की शीशा तोड़कर तिरपार और कई सामान लेकर चले गए और ड्राइवर के साथ मारपीट भी किए। मतलब हम लेटे हुए थे तो ऐसे में हमको पेशाब लगा तो हम उतरे, सोचे उतर के पेशाब करेंगे, तो उधर 10 से 12 लोग थे तो बोला उतरना नहीं तो ढेला चला देंगे। तो हम वापस गाड़ी में चले गए, घुस गए, ठीक है। तो सब गाड़ी में ईटा पक्कल करने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, ठीक है। गाड़ी में चढ़ा, उसके बाद तिरपाल उतार लिया, 4 गो बत्ता उतार लिया, एंगल रखा था एंगल उतार लिया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं मेन शीशा तोड़ने लगा। बोला गेट खोलो नहीं तो मारेंगे, गेट खोलो, तो हम नहीं गेट खोले तो शीशा तोड़ दिया। उसके बाद से हमको बोला जितना सामान है दो, पकड़ धर कर लिया, ठीक है। तब जब जीप आया इधर सिक्योरिटी वाला तब वो लोग भागा, तब हम जान लगा के भागे, अपना जान बचा के। आपके साथ और कौन कौन? हम अकेले थे। क्या नाम हुआ आपका? मिराज अंसारी। गाड़ी का नंबर कितना है आपका? JH09AZ0892 ट्रक। कोयला लोड था? हाँ, लोड ट्रक पूरा नहीं, 1 टन घटा था माल, तो काटा बंद हो गया था तो काटा नहीं हुआ, नहीं उधर ही लगवाया, जो लोड करवाए जो लोड करवाए थे वही रखवाए उधर ही, बोला इधर ही रहता है सब गाड़ी, गार्ड लोग रखवाया। हाँ हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो मेरा नुकसान हुआ है नुकसान हम भरना चाहिए। आज राजपुरा OCP में मामला दो था, एक था कि DO धारक लोग का, सब लोग आए थे, मैनेजर से कहा कि हमारा गाड़ी लोड होने के बाद कल 6 बजे के आसपास लोड हो गया था, 2-4 मिनट का इधर उधर था, फिर भी काटा बाबू ने उसको लोड नहीं किया, जिसके कारण उसका गाड़ी रात भर खड़ा रह गया। उस दरमियान कुछ चोर लोग आए और जो भी उस गाड़ी का सामान था, शीशा तोड़ फोड़ जो सामान था ले गया, ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया। तो हम लोग प्रबंधक को बोले कि जो गाड़ी लोड हो जाता है शाम को 6 बजे उसको कम से कम कांटा करा के निकाल दीजिए, नहीं तो मान लीजिए किसी दिन गाड़ी ही गायब हो जाए कोयला साहब, तमाम जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आज के बाद जो भी गाड़ी 6 बजे तक लोड हो जाएगा या 6 बज के 2-4 मिनट इधर उधर भी होगा उसको हम लोग काटा करा देंगे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।